चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में आज हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफिरा। तो चलें देख लेते हैं कि फाइलम पोरीफिरा के बारे में आपकी बुक क्या बता रही है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये जो फाइलम पोरीफिरा है, पोरीफिरा का जो लव्ज है ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पोरी मतलब पोरस का पोरी का मतलब तो पोर्स होता है और फेरा का मतलब होता है टू बेयर। फाइलम पोरीफिरा जो है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एक पोरस, पोरस मींस पोर एंड फिरा मींस टू बेयर। असल में जो अगर हम इस फाइलम पोरीफिरा की जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी को देखें तो इनकी बॉडी पर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जस्ट लाइक स्पंज, स्पंज की तरह इनकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इस फाइलम का नाम रखा गया है पोरीफिरा, क्योंकि स्पंज की तरह होते हैं ये, तो इस वजह से इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, इन फाइलम को हम कहते हैं स्पंज। इस फाइलम के एनिमल्स को कॉमनली हम जो है वो स्पंज कहते हैं। तो चलो इस फाइलम के जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले हैबिटेट है, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर ऑल एक्वेटिक, मतलब ये तमाम क्या होते हैं, ये तमाम के तमाम एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। मोस्ट मेरीन वाटर, एक्वेटिक तो होते हैं लेकिन ज्यादातर किसमें होते हैं, ज्यादातर मेरीन वाटर में होते हैं। सम फ्रेश वाटर, और कुछ ऐसे होते हैं जो कहाँ होते हैं, फ्रेश वाटर में, मतलब तालाबों में, झीलों में, झीलों में या नदी नालों में बहुत कम पाए जाते हैं। ज्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, मतलब समंदर के पानी में ये ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी, तो ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब ये जो है वो जमीन के साथ जो है वो समंदर या जो फ्रेश वाटर होता है उसके बॉटम के साथ जो है क्या होते हैं, अटैच होते हैं, मतलब इनकी बॉडी जो है वो अपने सबस्ट्रेटम के साथ क्या होती है, अटैच होती है, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, सेसाइल। तो ये क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, मतलब इनके जो एडल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, लेकिन इनके जो लार्वे होते हैं वो क्या, वो जो है मोटाइल होते हैं, मतलब वो क्या कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं। तो याद रखिएगा सेसाइल सिर्फ इनके एडल्ट होते हैं, इनके लार्वे जो है वो क्या होते हैं, वो मोटाइल होते हैं। फिर अगर हम इनके साइज की बात करें तो साइज इनका फ्यू मिलीमीटर टू मोर देन 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है, यानी फ्यू मिलीमीटर से लेके मोर देन 1 मीटर लॉन्ग इनका साइज हो सकता है। अगर बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, मतलब इसकी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, लेकिन बहुत सारे सेल का एग्रीगेट होते हैं इसकी बॉडी में, लेकिन ये सेल मिलकर कोई टिश्यू या ऑर्गन नहीं बनाते, होते तो मल्टी सेलुलर है, इनके सेल के दरमियान में डिविजन ऑफ लेबर भी होती है, लेकिन क्या नहीं होता, इनमें जो है वो टिश्यू और ऑर्गन नहीं होते। तो ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि फाइलम पोरीफिरा वाहिद फाइलम है जो मल्टी सेलुलर है लेकिन उसमें कोई टिश्यू और टिश्यू या ऑर्गन नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसके मजीद कैरेक्टर्स की तरफ चलें तो हम इसकी बॉडी की अगर लेयर देखें, इसकी बॉडी के जो सेल होते हैं वो टिश्यू और ऑर्गन तो नहीं बनाते लेकिन सेल्स मिलकर के एक लेयर्स फॉर्म में जो है वो अरेंज होते हैं, तो इसकी बॉडी की जो है वो टू लेयर्स होती हैं। तो इधर देखें इसकी बॉडी की जो टू लेयर होती हैं, एक लेयर को हम कहते हैं पेनाक, जो आउटर लेयर होती है जिसको हम डर्मल लेयर भी कहते हैं, आउटर लेयर को कहते हैं पेनाकोडर्म। मिसाल के तौर पर आप इधर देखें, मैं इसकी ये बॉडी की आउटर लेयर बनाता हूँ, ये क्या है, ये स्पंज है और स्पंज की बॉडी की ये आउटर लेयर है। अब ये जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को मैं क्या कहूंगा, इस आउटर लेयर को मैं कहूंगा पिनाकोडर्म। और ये जिन सेल से मिलकर बनी है, जो आपको फ्लैट सेल नजर आ रहे हैं जिससे ये मिलकर बनती है, इन सेल्स को हम कहते हैं पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स वो सेल होते हैं जो इसकी आउटर लेयर बनाते हैं। अच्छा, इसकी जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर को हम कहते हैं कॉनोडर्म। इस तरह से ये एक इनर लेयर है, ये इस तरह से सेल्स होते हैं जो इसकी कौन सी लेयर बना रहे हैं, ये इनर लेयर बना रहे हैं, ऐसे इनर लेयर बनी हुई होती है। और इनर लेयर जिन सेल्स की बनी होती है, मेड अप ऑफ फ्लेजिलेटेड सेल कॉल कॉनोसाइट्स। ये देखें, ये इसके मैं एक सेल को अगर बाहर निकाल लूं तो ये इस तरह से इसका ये एक सेल है, तो ये फ्लेजिलेटेड सेल है, इसमें कि ये कॉलर होता है, तो इस वजह से इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं कॉनोसाइट्स, यानी इनकी बॉडी जो इनर लेयर जो है वो किसकी बनी होती है, वो कॉनोसाइट्स की बनी होती है। तो यहाँ बात हो गई कि इसकी बॉडी की जो है वो दो लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर, अगर सिंपली इस तरह से बनाऊं, इसमें मैं सेल नहीं बना रहा, ये आउटर लेयर है जो कि पिनाकोसाइट सेल से मिलकर बनी है,
और ये इनर लेयर है जो कि किसकी बनी हुई है, जो कि कॉनोसाइट्स की बनी हुई है, मैंने इसमें सेल्स नहीं बनाए हैं अभी। तो ये दो लेयर्स होती हैं इसकी बॉडी की। इसके अलावा मिडिल रीजन इज कॉल्ड मेसेनकाइम, और ये जो बीच वाला रीजन है, चलिए मैं इस बीच वाले रीजन को ब्लू कलर दे रहा हूँ, ये जो बीच वाला रीजन है इन दोनों लेयर्स के दरमियान में, इसमें कोई सेल्स की लेयर नहीं होती, कुछ सेल तो होते हैं लेकिन उस बकायदा एक लेयर फॉर्म में नहीं होते। तो ये बीच वाली जो लेयर है, इसको लेयर तो नहीं होती, ये बीच वाला रीजन कहेंगे इसको, बीच का जो रीजन है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं मेसेनकाइमा, क्योंकि इसमें सेल बकायदा इस तरह से अरेंज नहीं होते, तो आप इसको लेयर नहीं कह सकते। तो चलिए मैं कह देता हूँ कि इसकी बॉडी तीन लेयर से बनकर मिलकर बनी है। अगर मैंने यहाँ कहा तो ये रेड वाली जो सेल की लेयर है, ये कौन से सेल्स हैं, ये हैं पिनाकोसाइट जो आउटर लेयर बना रहे हैं, और अंदर की तरफ जो है ये कॉलर सेल्स हैं जिनको कॉनोसाइट्स कहते हैं, फ्लैजेलेटेड भी होते हैं, ये बना रहे हैं इसकी इनर लेयर। ये जो येलो कलर में मैं शो कर रहा हूँ, ये इसकी कौन सी लेयर है, ये इसकी इनर लेयर है। और आउटर और इनर लेयर के दरमियान में जो रीजन है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम मेसेनकाइमा कह रहे हैं। अगर हम इसकी बॉडी की सेमेट्री की बात करें तो एसेमेट्रिकल बॉडी होती है, मतलब इसकी कोई सेमेट्री नहीं होती, इस तरह से एक बॉडी है जिसकी कोई सेमेट्री नहीं है, मतलब आप इसको किसी भी प्लेन में अगर डिवाइड करोगे तो ये किसी भी प्लेन में सिमिलर हॉल्स में जो है वो डिवाइड नहीं होगा, सिमिलर पार्ट्स में किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं होंगे, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ये एसेमेट्रिकल इनकी बॉडी होती है। इसके अलावा इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, जब भी हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम पोरीफेरा कह रहे हैं। तो अब पोर्स जो इनकी बॉडी में होते हैं, मिसाल के तौर पे ये इसकी अगर आउटर और इनर लेयर है, अब देखें इसकी आउटर और इनर लेयर, इसको मैं एक साथ ही बना रहा हूँ, तो आप ये देखें इसकी बॉडी के बीच में यहाँ पर ये पोर्स हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं ऐसे, इस बीच में ये पोर्स हैं, तो इसकी बॉडी पे परफोरेटेड होती है बाय मेनी पोर्स, यानी बहुत सारे इसकी बॉडी में पोर्स होते हैं। तो ये जो पोर्स होते हैं इसकी बॉडी के, इस तरह से बना देता हूँ, ये देखिए इसकी बॉडी में बहुत सारे क्या हैं, ये पोर्स हैं। तो ये छोटे छोटे पोर्स जो इसकी बॉडी में होते हैं, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑस्टिया, इनको हम क्या कहते हैं, ये ऑस्टिया, जितने भी आपको छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं इनको हम ऑस्टिया कह रहे हैं। और एक बड़ा पोर जो ऊपर की तरफ मौजूद है, एक सिंगल लार्ज पोर जो है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया से इसकी बॉडी में पानी दाखिल होता है और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। तो याद रखिएगा इसकी बॉडी के जो पोर्स हैं, इन पोर्स को हम जो है वो जो जर्नल मैनी जो पोर्स हैं इनको हम ऑस्टिया कह रहे हैं, और एक जो लार्ज पोर बाहर की तरफ नजर सिंगल पोर है, इसको हम कह रहे हैं ऑस्क्यूलम। के अलावा अगर इसकी बॉडी कैविटी की बात करें तो इसकी सिंगल स्पंज है, वह सिंगल कैविटी इनसाइड द बॉडी कॉल्ड स्पंजो सील, यानी इसकी अगर आप बॉडी को देखें, अगर मैं इसका ऐसे एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लू, तो ये आप सेंटर में देखें, इसके सेंटर में एक ये जो बॉडी कैविटी है, इस बॉडी कैविटी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्पंजो सील। बॉडी कैविटी को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं स्पंजो सील। अच्छा, इसके अलावा वाटर की अगर हम इसकी बॉडी में सर्कुलेशन देखें, तो फिर यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ इसको, वाटर की अगर हम सर्कुलेशन इसकी बॉडी में देखें कि किस तरीके से वाटर इसकी बॉडी में सर्कुलेट करता है, अगर ये एक स्पंज है और इसके सेंटर वाले एरिया को मैं स्पंजो सील कह रहा हूँ, सेंटर वाली कैविटी को क्या कह रहा हूँ, स्पंजो सील। चलिए मैं एक दफा फिर इसकी फिगर इस तरह से ड्रा कर देता हूँ। अब ये जो पोर्स हैं, आपको बताएं इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ऑस्ट्रिया। तो अब इसका वाटर किस तरह से, वाटर एंटर थ्रू ऑस्ट्रिया, यानी इसकी बॉडी में जो वाटर एंटर होगा, यहाँ पर देखें मैं वाटर को एंटर कर रहा हूँ, ये वाटर कहाँ से एंटर होगा, ऑस्ट्रिया के जरिए वाटर इसकी बॉडी में एंटर होगा, एंड इट ट्रेवल थ्रू कैनाल, यानी इसकी सेंटर की जो कैनाल है उसमें ट्रेवल करेगा, एंड गोस आउट बाय ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम से कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी वाटर एंटर होगा ऑस्ट्रिया से और बाहर किससे निकलेगा, ऑस्क्यूलम से। उसके बाद कहता है फूड कम विद वाटर करंट
स्पंज डिपेंड और ये इसी वाटर के साथ, इस वाटर करंट के साथ, वाटर इसके अंदर जो फ्लो कर रहा होता है उसी के साथ स्पंज का क्या आता है, फूड आता है, और स्पंज उसी फूड पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। मतलब इसकी बॉडी के अंदर जो वाटर आएगा तो उस वाटर के साथ फूड के पार्टिकल्स भी आएंगे, फूड के पार्टिकल्स वो जो कॉलर सेल होंगे, कॉनोसाइट्स होंगे, वो उसके फ्लेजिला जो है वो क्या कर लेंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे, कैप्चर करने के बाद उसका फूड जो है वो उसको एब्जॉर्ब करके उसके अंदर फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी। तो मतलब ये वाटर करंट जो है, वाटर सर्कुलेशन इसकी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सही है ना, क्योंकि इसको फूड भी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है। अच्छा, अगर हम इसका स्केलेटन देखें कि इसका स्केलेटन जो होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है, अगर ये एक स्पंज है तो इस स्पंज में नीडिल लाइक इस तरह के स्पिक्यूल्स होते हैं। इसे नीडिल लाइक क्या होते हैं, ये स्पिक्यूल्स होते हैं जो इसका क्या बनाते हैं, इसका स्केलेटन बनाते हैं। स्पिक्यूल, एक तो इसका स्केलेटन किससे बनता है, स्पिक्यूल से बनता है। ये स्पिक्यूल कैलकुलर भी हो सकते हैं, कैलकुलस भी हो सकते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए भी हो सकते हैं, सिलिशियस भी हो सकते हैं, मतलब सिलिका के भी बने हुए हो सकते हैं। और बाज दफा कुछ स्पंज ऐसे भी होते हैं, जैसे स्पंजुलिन है, उसके जो स्केलेटन होता है वो किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन फाइबर्स का बना हुआ होता है। वो किसका बना हुआ होता है स्केलेटन, प्रोटीन फाइबर का बना हुआ होता है, जिसको कहते हैं स्पंजिन फाइबर। तो इसके याद रखिएगा कि जो इस पोरीफिराज होते हैं उनका स्केलेटन या तो स्पिक्यूल का बना हुआ होता है या फिर किसका बना हुआ होता है, स्पंजिन फाइबर। और स्पंजिन फाइबर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और ये स्पिक्यूल जो है, स्पंजिन फाइबर तो प्रोटीन ही के बने होंगे, लेकिन जो स्पिक्यूल हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के भी बने हो सकते हैं और सिलिका के बने हुए भी हो सकते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें कि स्पंज किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, तो स्पंज के अंदर रिप्रोडक्शन का एक तरीका तो ये है कि बड़ी, यानी इसमें से यहाँ पर एक बर्ड निकलेगा और इस बर्ड से एक नया स्पंज डेवलप हो जाएगा। बस अब बर्ड इसकी बॉडी के इनसाइड भी बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम गैम्यूल कहते हैं, जिसमें फूड भी स्टोर होता है। तो बर्ड इसकी इनसाइड बॉडी भी बन सकता है, जिसको हम गैम्यूल कह रहे हैं। तो इसकी ऐसे जो रिप्रोडक्शन दो तरह से हो रही है, एक तो हो रही है बडिंग के जरिए और दूसरा जो है वो गैम्यूल्स के जरिए। गैम्यूल्स मतलब इसकी इनसाइड द बॉडी जो है वो बर्ड बन रहा है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है एक होगी किसके जरिए, स्पर्म और एग के जरिए। एग और स्पर्म जो है वो जब मिलते हैं तो उससे क्या होगी, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनेगा इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं और हर्मोफ्रोडाइट यानी सेक्सेस कंबाइन भी हो सकते हैं। तो मतलब ये कि इसके सेक्सेस सेपरेट हो सकते हैं। सेक्सेस सेपरेट होने का मतलब ये एक स्पंज है और ये दूसरा स्पंज है। इस स्पंज को मैं कह देता हूँ कि ये मेल स्पंज है और ये फीमेल स्पंज है। तो मेल स्पंज जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल स्पंज क्या प्रोड्यूस करेगी, एग। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेक्सेस सेपरेट हो गया, यानी मेल अलहदा है और फीमेल अलहदा है। सेक्सेस सेपरेट होने के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्पंज है, ये स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा और इसमें एग भी प्रोड्यूस होगा। जब दोनों सेक्सेस एक साथ हैं, यानी मेल भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं, या मेल के रिप्रोडक्टिव सेल भी उसी में प्रोड्यूस हो रहे हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स भी उसी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं या इसको हम कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट। तो जो पोरीफिरा होते हैं ये सेक्सेस इनमें सेपरेट भी हो सकते हैं, मतलब ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, सेक्सेस सेपरेट मतलब यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, और हर्मोफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। इसके अलावा लार्वा स्टेज इज फॉर्म, यानी जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से लार्वा बनेगा। और ये जो लार्वे होते हैं ये आर फ्री, लार्वे क्या होते हैं, ये फ्री होते हैं, मतलब ये फ्री स्विमिंग सिलिएटेड होते हैं, यानी उसमें सिलिया होते हैं और ये क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी स्विम जो है वो सेसाइल नहीं होते। जब ये एडल्ट हो जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये सेसाइल हो जाएंगे। जब तक लार्वे फॉर्म में तब तक ये जो है वो मोटाइल होते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात कर लें कि स्पंज के एग्जाम्पल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, स्पंजिला आ जाता है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसके अलावा ल्यूकोस्टोलिनिन है, सोलिनिन है, ये सोलिनिया है, ल्यूकोसोलिनिया, ये भी जो है वो स्पंज है, और यूप्लेक्टिला है, ये भी स्पंज है। इसी तरीके से और भी बहुत सी स्पंज की जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम एवोल्यूशनरी अडोप्टेशन की बात करें स्पंज की, यानी जिस तरह से एवोल्यूशन होती चली गई, जो है वो क्या क्या चीजें डेवलप कर सके, अडोप्ट की, क्या क्या चीजें अडोप्ट की हैं
फाइलम पोरीवीरा ने और कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट नहीं की। इसको हम कह रहे हैं एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन ऑफ स्पंज। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि स्पंज आर डेड एंड इन एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन में ये जो स्पंज है ये डेड एंड है। डेड एंड का मतलब ये होता है कि इनसे कोई नया फाइलम एवोल्व नहीं हुआ। स्पंज जो है वो डेड एंड है, इसका मतलब क्या, इनसे कोई नया फाइलम या कोई नया एनिमल इवोल्व नहीं हुआ। जिस तरह मैंने आपको पहले भी एवोल्यूशन का जो है वो फाइलोजिनी बताई थी एवोल्यूशन की, तो मैंने आपको बताया था कि इस फाइलम पोरीफेरा या फाइलम निडेरिया जो है उनसे किसी किस्म का कोई दूसरा एनिमल इवोल्व नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है वो बेसिकली एक डेड एंड है। दे शो फॉलोइंग एवोल्यूशनरी अडोप्टेशन, इनके पास जो है वो ये एवोल्यूशनरी अडोप्टेशन है। सबसे पहले तो डाइजेशन, अब इनके अंदर जो डाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, इंट्रा सेलुलर। आपको बताइए कि जो डाइजेशन सेल के अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। जिस तरह हमारी डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, क्योंकि हमारी बॉडी कैविटी में एक डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर हमारी डाइजेशन होती है, तो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। इनकी कौन सी होती है, इनकी इंट्रा सेलुलर होती है, मतलब सेल के अंदर फूड का जो है वो ब्रेकडाउन होता है। अकर इन फूड वैक्यूल विद कॉनोसाइट्स, आपको पता है इसके पास इनर लेयर जो है कॉलर सेल्स की बनी होती है जिसको हम कॉनोसाइट्स कहते हैं। इस कॉनोसाइट्स के अंदर जो फूड वैक्यूल होता है, ये फूड फूड चला जाएगा इस कॉलर सेल में और इस कॉनोसाइट्स में फूड वैक्यूल के अंदर फूड जाकर क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, यानी उसकी ब्रेकडाउन होगी। तो इस डाइजेशन को हम क्या कहेंगे, इंट्रा सेलुलर। तो आपने याद रखना है कि स्पंज के अंदर डाइजेशन कौन सी होती है, इंट्रा सेलुलर होती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो नो स्पेशल ऑर्गेनल्स फॉर रेस्पिरेशन, इनके अंदर जैसी बात है ऑर्गन, अगर हम ऑर्गन की भी बात करें तो कोई स्पेशल ऑर्गन इनके पास रेस्पिरेशन के लिए नहीं है, क्योंकि इनके पास तो ऑर्गन होते ही नहीं है। और सेल के अंदर भी अगर हम, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही है, आपको सबको पता है रेस्पिरेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके अलावा अगर हम देखें कोई स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स हो इनमें जो रेस्पिरेशन के लिए हो, ऐसी कोई चीज इनके पास अडॉप्ट नहीं हुई है, ऐसी कोई चीज नई चीज अडॉप्ट नहीं की स्पेशल फॉर रेस्पिरेशन के लिए। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि मटेरियल किस तरीके से जाता है, तो वाटर करंट एंड डिफ्यूजन के जरिए इसकी बॉडी में चीजें क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन भी इसकी, यानी बॉडी से जो हार्मफुल जो वेस्ट होता है या मटेरियल जो होता है वो किसके जरिए, वो डिफ्यूजन एंड आउटगोइंग करंट के जरिए जाता है। डिफ्यूजन आपको पता है कि ये इसकी बॉडी के सेल्स अगर हैं, इनर सेल अगर हैं, तो इनमें से अगर मटेरियल होगा वो डिफ्यूज हो जाएगा आउटसाइड। आउटसाइड डिफ्यूज मतलब स्पंजोसील में आएगा, और स्पंजोसील से जो आउट करंट वाटर जाएगा, इन ऑस्कुलम से वाटर जो बाहर जाएगा, तो उसी के जरिए इसका एक्सक्रीटी प्रोडक्ट भी जो है वो बॉडी से कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें कोई स्पेशल नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई न्यूरॉन या इस तरह के जो है वो नहीं होते, लेकिन कहता है इनके पास कुछ सेंसरी सेल होते हैं जो कि वाटर के फ्लो को जो है वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि वाटर आउट ऑस्टिया से आता है और ऑस्कुलम से फिर वापस जाता है। तो कोई स्पेशल नर्वस सिस्टम इनके पास नहीं है, लेकिन क्या होते हैं, कुछ सेंसरी सेल इनके पास होते हैं, और उन सेंसरी सेल का काम क्या होता है कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं वाटर फ्लो को। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ स्पंज की बात करें तो स्केलेटन ऑफ स्पंज यूज फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग। स्पंज का जो स्केलेटन होता है, स्पेशली कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनमें सिलिका होता है या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या स्पंज जो फाइबर्स भी होते हैं, तो उसको जो है वो वॉशिंग और बाथिंग के लिए क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। सर्जिकल ऑपरेशन में भी इसको यूज किया जाता है। सर्जिकल ऑपरेशन में क्यों यूज किया जाता है, एब्जॉर्ब ब्लड एंड फ्लूइड, इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। अक्सर जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो कहीं से कोई ब्लड निकल गया या लिक्विड निकल जाता है, जिस तरीके से हम कॉटन रखते हैं, कॉटन से जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है कॉटन उसको ब्लड को, तो इसी तरीके से ये स्पंज भी जो है ब्लड और फ्लूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशन। स्पंज आर यूज्ड टू साउंड एब्जॉर्बर इन बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग्स में अक्सर जो है ये साउंड को भी एब्जॉर्ब करते हैं, जहाँ शोर ज्यादा होता है, मिसाल के तौर पर कोई फैक्ट्रीज है वहां पर अगर ये स्पंज लगी हो तो साउंड को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, तो उससे शोर थोड़ा क्या हो जाएगा, जो है नॉइस जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ये हमने आज बात करी फाइलम पोरीफेरा की। यहाँ पर देख लें दो पोरीफेरा स्पंज लाए, ये क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर होती है, ये साइकोन है, ये भी एक स्पंज है। तब आप एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये तस्वीर भी बनाकर दी जा सकती है, ये तस्वीर सिर्फ आपको दी जा सकती है, और पूछा जा सकता है कि इस एनिमल का बताएं कि ये एनिमल कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। ये दूसरी वाली फिगर भी दी जा सकती है, और इससे भी पूछा जा सकता है कि एनिमल कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। इसके अलावा अगर इस तरह की पोर्शन के अंदर तस्वीर दे दी जाए
और ये आपसे जो है वो सिर्फ ये नीचे की तरफ इनर लाइनिंग वाले जो सेल्स हैं, ये जो सेल है ये एक सेल दे दिया जाए और इस सेल का आपसे नाम पूछा जाए कि इस सेल को आप क्या कह रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए इसको कॉनोसाइट्स कह रहे हैं क्योंकि इसके ये कॉलर हैं। इसके अलावा ये जो आउटर लेयर जिस सेल से बनी हुई होती है, अगर इस आउटर लेयर का लेयर से जो जो है इसके सेल्स का नाम पूछ लें, तो इनके सेल्स का नाम भी आपने याद रखना है कि ये सेल्स कौन से होते हैं, ये पिनाकोसाइट्स होते हैं। तो मतलब इन तमाम सेल्स के आपने नाम याद रखने हैं। और ये जो पोर्स बनाने वाले सेल होते हैं ना, देखिए इसकी जो एक लेयर है, इस लेयर में ये जो पोरोसाइट्स हैं ये क्या बनाते हैं, ये पोर्स बनाते हैं। इसके अलावा कुछ अमेबोसाइट्स भी बीच में मौजूद होते हैं ये सेंटर वाली लेयर में कुछ सेल। और अमेबोसाइट्स का काम अक्सर गैमेट बनाना या इस तरह के दूसरे फंक्शन है। तो इन तमाम सेल्स की आपने अच्छे तरीके से जो है वो देख लेना है, अगर ये लेबल करने के लिए आ जाए या इसके नाम बताने के लिए आ जाए तो आपको इसके नाम बताने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने हैं फाइलम पोरिफेरा के, एक तो ये याद रख लेना है कि ऑल एक्वेटिक, ये तमाम एक्वेटिक होते हैं, ये टेरिस्टल नहीं होते। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि ये मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन इनमें कोई सेल टिश्यू या ऑर्गन नहीं होता, ये सिर्फ एक इसी फाइलम का कैरेक्टर है और किसी फाइलम में नहीं है। और इसके अलावा जो है वो आपने ये याद रखना है, ये फाइलम एसिमेट्रिकल है, इसकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं होती। इनके पोर्स, इसकी बॉडी पोरस होती है ये याद रखिएगा, और पोर्स में जो ज्यादा तादाद में जो पोर्स होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं उनको ऑस्ट्रिया कहते हैं, कम तादाद में जो पोर है वो एक ही लार्ज साइज का है उसको ऑस्क्यूलम कह रहे हैं। याद रखेंगे कि ऑस्ट्रिया से पानी अंदर आता है और ऑस्क्यूलम से पानी बाहर जाता है, ये डिफरेंस याद रखना है आपने ऑस्ट्रिया और ऑस्क्यूलम में। इसके अलावा बॉडी कैविटी को स्पंजोसील कहते हैं, ये बात याद रखोगे। स्पिक्यूल्स याद रखोगे, स्पिक्यूल और स्पंजिन फाइबर इसका स्केलेटन बनाते हैं, ये बात याद रखोगे। रिप्रोडक्शन इसकी दोनों होती है एसेक्सुअल बडिंग, लेकिन ये गैम्यूल से जो रिप्रोडक्शन है ये आपकी तमाम फाइलम में सिर्फ स्पंज में ही दी हुई है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये बात याद रखिएगा कि इसका लार्वा फ्री लिविंग होता है, लेकिन ये खुद जो होते हैं एडल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेसाइल होते हैं। और एक और बात जो मुझे आपको बतानी थी कि इनकी जो एवोल्यूशन हुई है, यानी इनसे तो किसी मजीद एनिमल की एवोल्यूशन नहीं हुई है, डेड लाइन है, लेकिन ये जो खुद इवोल्व हुए हैं वो किससे इवोल्व हुए हैं, प्रोटिस्टास से। और प्रोटिस्टास में भी कौन से वाले प्रोटिस्टास से हुए हैं, ये बेसिकली जो है वो कॉनोफ्लेजिलेट से हुए हैं, प्रोटोजोआ का एक ग्रुप है कॉनोफ्लेजिलेट, ये कॉनोफ्लेजिलेट से जो है वो कौन इवोल्व हुए हैं, प्रोटिस्टास। तो ये बात भी याद रखिएगा प्रोटिस्टास की जो एवोल्यूशन हुई है वो किससे हुई है, वो कॉनोफ्लेजिलेट से हुई है। और एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, डेडलाइन है एवोल्यूशन के हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपने जो है वो इस फाइलम में याद रखनी। नेक्स्ट टाइम फिर हम नेक्स्ट फाइलम जो है वो पढ़ेंगे।